इट्स माही खान। सपने, सपने तो हम सभी देखते हैं, उसी तरह इसने भी देखा था। इसके लिए वो सपना बहुत बड़ा था। इसका बचपन से ही इंग्लिश सीखने का सपना था। फिर क्या था, लग गया इंग्लिश सीखने में, बना लिया कुछ अंग्रेजों को दोस्त और करने लगा उनको होस्ट। फिर बन गया टूरिस्ट गाइड और इंग्लिश बोल बोल के सबको करने लगा गाइड। और होने लगा उसका पूरा वो सपना जो था इंग्लिश सीखने का। चलो एक सपना तो पूरा हो गया, पर क्या वो उसके बाद रुक गया? नहीं, उसने एक और सपना देखा हार्वर्ड में पढ़ाने का, पर वो वहां से रिजेक्ट कर दिया गया। क्या वो रुका? नहीं, उसने फिर से एक सपना देखा पुलिस की नौकरी के लिए, पर वो वहां से भी रिजेक्ट कर दिया गया। पर अभी भी उसने सपने देखने छोड़े नहीं थे। उसने सपना देखा अपनी ड्रीम जॉब को पाने का, यानी KFC में नौकरी करने का, पर वो वहां से भी रिजेक्ट कर दिया गया। और इसी बीच उसको मौका मिला अमेरिका जाने का, और वहां जाकर उसको पता चला कि इंटरनेट नाम की भी कोई चीज होती है जिससे हम एक जगह बैठे बैठे कहीं की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर क्या था, वो रहने वाला तो था चाइना का, तो उसने इंटरनेट पर अपने देश की जानकारी निकालने की कोशिश की, पर उसे अपने देश के बारे में इंटरनेट पर कुछ भी नहीं मिला। फिर उसको बहुत हर्ट हुआ और फिर एक बार फिर से उसने देख लिया एक और सपना। उसने सोच लिया कि चाहे जो कुछ हो जाए उसको अपने देश की हर जानकारी को इंटरनेट पर शेयर करना है। फिर क्या था, वो और उसके दोस्त ने मिलकर के बना दी एक वेबसाइट जहां पर उसके देश की हर जानकारी मिल सकती थी, और फिर वो वेबसाइट खूब चली। फिर क्या था, मिल गया उसको सक्सेस का टेस्ट। और फिर 1995 में उसने खड़ी कर दी एक कंपनी, और उसके बाद जीतने का सिलसिला जारी हो गया। 1999 में लॉन्च कर दी उसने Alibaba.com, और आज उस इंसान को हम जैक मा के नाम से जानते हैं। तो यार इतना सब कुछ सुनने के बाद तुम्हें इसके अंदर क्या कॉमन लगा? इसके सपनों ने कभी भी इसे सोने नहीं दिया, इसकी नेवर गिव अप स्पिरिट, मतलब बंदे के साथ कुछ भी हो जाए पर ये हार नहीं मानेगा। जैसे प्राइमरी स्कूल में 2 बार, मिडिल स्कूल में 3 बार, यूनिवर्सिटी में 3 बार, जॉब अप्लाई करके 30 बार, पतले होने की वजह से पुलिस से 1 बार, 1 बार KFC से और 10 बार हार्वर्ड से, टोटल 50 बड़े फेलियर के बाद भी ये इंसान नहीं रुका। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो इसको हरा सके, कोई भी ऐसा थॉट नहीं है जो इसको कमजोर बना सके। तो फिर तू क्यों ऐसे बैठा हुआ है? जा और अपने सपनों को पूरा कर, मत देख के कौन तेरे ड्रीम पर यकीन करता है। तुझे अपने ड्रीम पर विश्वास है ना? अबे तो जा और रच दे इतिहास। जो कुछ भी तू करना चाहता है, जिस भी फील्ड में तू सक्सीड होना चाहता है, घुस जा उस फील्ड में। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे, फर्क पड़ता है कि तू अपने बारे में क्या सोचता है। अगर कोई सपना तूने देख लिया है तो चैन से मत सोना जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। सपने देख बड़े से बड़े, और शीशे के सामने खड़े होकर के खुद को चैलेंज कर कि मैं पूरा करूंगा इस सपने को। ये मेरी जिम्मेदारी है, इस सपने ने मुझे चुना है क्योंकि मैं इसके लिए काबिल हूँ। मैं कभी भी किसी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं दूंगा। इसको पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ तू जिम्मेदार है, तेरे फ्रेंड्स है, तेरे रिलेटिव्स नहीं। अबे ये तेरा सपना है जिसको तू ही पूरा करने के लिए पैदा हुआ है। जो तेरा सपना है उसको देखने के लिए सिर्फ तू काबिल है और कोई नहीं। अबे तो देख क्या रहा है, जा और जाकर शुरुआत कर। कर दे शुरुआत यार, बस कर दे यार, कर दे।